आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये बॉलीवुड की बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। इंडस्ट्री में आने के लिए इनके पास सब कुछ था, नेम था, फेम था, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स एक फोन कॉल पर इनको अपनी फिल्म में लेने को तैयार हो जाते और हुए भी। लेकिन आज ये इंडस्ट्री से गायब है। सब तरह का सपोर्ट होने के बावजूद ये एक्ट्रेस इंडस्ट्री में अपना नाम नहीं बना पाई और अब तक के स्टार किड्स के करियर की अगर बात की जाए तो उसमें से सबसे ज्यादा फ्लॉप करियर इनका ही रहा है। इनफैक्ट तुषार कपूर, तनीषा, शमिता शेट्टी, इन सब का करियर भी इनसे बेटर रहा है। बात करेंगे राजेश खन्ना साहब की छोटी बेटी रिंकी खन्ना की। कब रिंकी खन्ना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, क्यों रिंकी खन्ना इतनी बड़ी फैमिली से होने के बावजूद इंडस्ट्री में चल नहीं पाई और कैसे आज रिंकी खन्ना अपनी लाइफ बिता रही है। रिंकी खन्ना का रियल नेम है रिंकल खन्ना, लेकिन बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने अपने नाम में से एल हटा दिया और नाम कर लिया रिंकी जतिन खन्ना। रिंकी खन्ना एक फिल्मी माहौल में ही पली बड़ी है। उनकी मॉम बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया थी। उनके पिता का स्टारडम उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा है और उनकी बहन को भी इंडस्ट्री में काम करते हुए देखा है और इंडस्ट्री के स्ट्रगल को देखा है। जिस वक्त ट्विंकल खन्ना इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना चुकी थी और अक्षय कुमार से शादी करने की प्लानिंग कर रही थी, उसी टाइम रिंकी खन्ना जो है बॉलीवुड में एंट्री करने की तैयारी कर रही थी। ये 99 में रिंकी खन्ना पहली बार नजर आई फिल्म प्यार में कभी कभी। इस फिल्म में उनके साथ संजय सूरी और डिनो मोरिया नजर आए थे। फिल्म एक मॉडरेट फिल्म साबित हुई, बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन हाँ रिंकी खन्ना सबकी नजर में रही क्योंकि राजेश खन्ना साहब की छोटी बेटी थी, डिंपल कपाड़िया की बेटी थी, ट्विंकल ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी, इसीलिए रिंकी की चर्चाएं तो होनी ही थी। लेकिन जिस फैमिली से, जिस लिगेसी से वो बिलोंग करती है, वैसा कुछ टैलेंट रिंकी का इस फिल्म में नजर नहीं आया। ये 2000 में रिंकी खन्ना नजर आई 90s के टॉप एक्टर के साथ, जिसने सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय सबको टक्कर दी थी। उनके नाम से बॉक्स ऑफिस चलता था और रिंकी खन्ना अब एक सुपरस्टार के साथ कास्ट हो चुकी थी। इनफैक्ट इस फिल्म में उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर स्क्रीन शेयर किया था तब की टॉप एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने। जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म में रिंकी खन्ना ने एक सिटी वाली मैडम का रोल निभाया था। गोविंदा इस फिल्म के लीड एक्टर थे और 90s में गोविंदा का गजब का बोलबाला था। उसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और एक बार फिर से रिंकी खन्ना की फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर एक मॉडरेट सा रिस्पॉन्स छोड़ गई। ईयर 2001 में रिंकी खन्ना नजर आई तुषार कपूर की लॉन्चिंग फिल्म में, मुझे कुछ कहना है मैं। लेकिन इस फिल्म में भी रिंकी खन्ना के लिए करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि फिल्म में तुषार की लीड एक्ट्रेस के रूप में करीना कपूर काम कर रही थी और रिंकी खन्ना का रोल इस फिल्म में इतना दमदार भी नहीं था। रिंकी खन्ना ने अभी बॉलीवुड में डेब्यू किया ही था कि अपनी तीसरी फिल्म में वो सेकंड हीरोइन बनकर नजर आने लगी। ऐसे में साफ नजर आ रहा था कि रिंकी खन्ना का करियर जो है वो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसी दौरान वो एक तमिल फिल्म में नजर आई और इस फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म का नाम था मजनू। बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिंकी खन्ना को अब एक अच्छा सपोर्ट चाहिए था। इसी दौरान सपोर्ट किया सलमान खान ने। सलमान खान ने ट्विंकल खन्ना के साथ भी एक फिल्म की थी जब प्यार किसी से होता है और वो फिल्म सुपर हिट हुई थी और अब रिंकी खन्ना को भी सलमान के ही स्टारडम की जरूरत पड़ी। तब सलमान की फिल्म ये है जलवा में रिंकी ने एक छोटा सा रोल किया था। लेकिन अफसोस, सलमान के होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देने के बाद रिंकी खन्ना को भी समझ आ गया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री उनके लिए बची ही नहीं है। उनको इंटीरियर डिजाइन का भी काफी शौक था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब बॉलीवुड से वो दूरी बना लेगी और लाइफ में दूसरी चीजों को परस्यू करेगी। इसी दौरान 2003 में रिंकी खन्ना ने एक बिजनेसमैन समीर सारन से शादी कर ली। समीर यूके के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इस शादी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी चेहरे मौजूद थे। राजेश खन्ना साहब और डिंपल कपाड़िया ने रिंकी खन्ना कन्यादान किया और उन्हें विदा किया। शादी के बाद रिंकी खन्ना की कुछ फिल्में तो आई, लेकिन तब तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। वो लंदन में सेटल हो
हो चुकी थी। 2004 में रिंकी खन्ना को एक बेटी भी हो गई जिसका नाम था नाओमिका। इसके बाद 2012 में रिंकी खन्ना ने एक बेटे को जन्म दिया। रिंकी खन्ना भले ही आज फिल्मों में काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वो कभी भी फिल्मी पार्टीज में नजर नहीं आई, जबकि उनकी मॉम और उनकी बहन इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। ट्विंकल खन्ना के इंडस्ट्री में कई सारे फ्रेंड्स हैं, वो कई सारे टॉक शोज में नजर आती है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, लेकिन रिंकी खन्ना इसकी बिल्कुल विपरीत है। वो ना बॉलीवुड सर्कल में एक्टिव है, ना सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब वो अपनी मॉम या अपनी सिस्टर के साथ नजर आती हैं। हाल ही में रिंकी खन्ना को स्पॉट किया गया था ट्विंकल खन्ना के साथ, जब ट्विंकल खन्ना अपने हस्बैंड अक्षय कुमार के साथ हॉलीडेज पर गई थी और वहां पर रिंकी भी उनके साथ थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे स्टार किड्स आए और गए, लेकिन उन्होंने कई सालों तक काम किया और उसके बाद गए। जितना फ्लॉप करियर रिंकी खन्ना का रहा है, उतना फ्लॉप करियर शायद ही किसी स्टार किड का रहा हो। फरदीन खान और जायद खान की भी अगर बात करूं तो एक बार के लिए इनके नाम पर भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जैसे कि फरदीन खान ने नो एंट्री में काम किया था। वहीं जायद खान की अगर बात करें, मैं हूं ना फिल्म उन्होंने भी की है और वो भी 8-10 साल तक इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। लेकिन रिंकी खन्ना तो 99 में आई और 2002 आते आते उनका करियर निपट गया। बात करें अगर शमिता शेट्टी और तनीषा मुखर्जी की, तो इन्होंने भी इंडस्ट्री में काम किया है और अगर फिल्मों में नहीं तो ये इवेंट्स में, पार्टीज में या फिर बिग बॉस में नजर आती रहती है, बातों में रहती है। लेकिन रिंकी खन्ना ने तो इंडस्ट्री छोड़ने के बाद कभी भी इस इंडस्ट्री की तरफ मुड़कर ही नहीं देखा। बड़े ताज्जुब की बात है कि जो एक्ट्रेस एक इतने बड़े सुपरस्टार की बेटी है, उन्होंने कभी भी दूसरी बार सोचा भी नहीं कि वो इंडस्ट्री में आकर ट्राई करें। कैसा? इसलिए कि इन्होंने अपने माता पिता का स्ट्रगल देखा है। कैसा? इसलिए कि इन्होंने अपनी बहन का करियर फ्लॉप होते हुए देखा है और खुद भी एक टाइम के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की ये मुश्किल घड़ी का सामना किया है। इसीलिए रिंकी खन्ना ने कभी बॉलीवुड की तरफ मुड़ के नहीं देखा। या फिर बॉलीवुड हमारे लिए बड़ी चीज हो सकती है, क्योंकि हम हमेशा बॉलीवुड को दूर से देखते हैं। ये तो वो लोग हैं जो बॉलीवुड में ही बड़े हुए हैं, इसीलिए ये बॉलीवुड इंडस्ट्री इनके लिए कोई नई चीज नहीं है। जैसे कि श्वेता बच्चन और हेमा मालिनी की छोटी बेटी आहाना देओल, इंडस्ट्री में होते हुए भी इनको कभी भी इंडस्ट्री के लिए क्रेजी नहीं देखा है, क्योंकि इनके लिए ये एक आम माहौल की तरह है। क्या लगता है आपको, रिंकी खन्ना ने क्यों कभी भी बॉलीवुड की तरफ मुड़कर नहीं देखा? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।